मैं जो दिखता हूँ वह वास्तव में नहीं हूँ। मैं जो बोलता हूँ वह मैं कभी नहीं करता। मेरी बोली और मेरा आचरण कभी मेल नहीं खाते। मैं एक पापी हूँ, एक बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं एक घमंडी हूँ। क्या आप कभी किसी व्यक्ति को अपने बारे में ऐसे कहते हुए सुना है? हम अक्सर दूसरों को अपनी उंगली दिखाते हुए कहते हैं कि तू एक पापी है, तू एक घमंडी है, तू जो कहता है वह नहीं करता, तू जो दिखता है तू वह वास्तव में नहीं है। पर हम अपने बारे में ऐसे कभी भी नहीं सोचते या कभी भी नहीं कहते। एक बार पोप फ्रांसिस को जब पूछा गया कि आप कौन हैं, Who are you? उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से उत्तर दिया, मैं एक पापी हूं, I am a sinner। हम लोग अक्सर हमारे जो वास्तविकता है उसको छुपा देते हैं, जो हम वास्तव में नहीं है उसे दूसरों के सामने रखते हैं और उसी के सहारे अपने पूरे जीवन को गुजरते हैं। इसी संदर्भ में मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा घटना पेश करना चाहता हूँ। उत्तराखंड के हरे भरे पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक छोटा सा ऐसा परिवार था जो पूरे गांव के लिए नमूना था, पूरे गांव के लिए एक आदर्श था। पूरे गांव के लोग उस परिवार के समान बनना चाहते थे, क्योंकि उस घर में दो बच्चे थे जो अपने माता पिता के हर एक बातों को सुनते थे, उन्हें पालन करते थे, वे पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे और उनके पिताजी हर रोज काम में जाते थे और शाम को काम से वापस आते थे। वे पूरी तरह से अपने घर की ख्याल रखा, हर एक जरूरत को पूरा किया, इसलिए वे पूरे गांव में जाने जाते थे। उनके बच्चे भी उन्हें अपना आदर्श मानते थे और उन्हें अपना रोल मॉडल या अपना सुपर हीरो मानते थे। वे चाहते थे कि बड़े होकर वे भी अपने पिता के समान बने। जैसे जैसे वे बच्चे बड़े होते गए, अपने पिता के साथ बहुत समय बिताने लगे, धीरे धीरे उन्हें यह पता चला कि जो पिता उनके हर एक जरूरत में उनका साथ देता है वह ड्रग्स का बिजनेस करता था। वह व्यक्ति ड्रग्स का बिजनेस करता था, नशे का व्यापार करता था। जब ये बातें उनके बच्चों को पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, जिन्हें वे सोचते थे एक सुपर हीरो, जिनके लिए वह सबसे बड़ा आदर्श था, आज उनके सामने एक अपराधी बन के खड़ा था, एक पापी के रूप में खड़ा था। हम लोग भी अक्सर हम जो वास्तव में है उसे छुपाते हैं और जो हम वास्तव में नहीं है उसके सहारे हमारी पूरी जिंदगी जी लेते हैं। इसलिए प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 8 में, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं पर इनका हृदय मुझसे बहुत दूर है। हम अक्सर अपने वास्तविक जीवन को छुपाकर हम झूठ के सहारे पूरे जीवन गुजर देते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम अपने वास्तविकता को सामने लाएं, हमारे वास्तविकता से हम जिए, ताकि अगर हमारा वास्तविक जीवन गलत है, पापमय है, तो हम उसे सुधारें और उसे सुधार के एक नया बनाएं। यह हम प्रभु यीशु के साथ कर सकते हैं। जब हम हमारे पापमय जीवन को स्वीकार करते हैं और अपने पापमय जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर देते हैं, तब वह हमें नया बनाता है और हमें वास्तविकता में जीने को वह कृपा देता है, ना कि दिखावे के लिए। तब जो मैं दिखता हूँ
वह मैं वास्तव में हूँ। जो मैं बोलता हूँ वह मेरे कार्य में दिखाई देगा। तब मेरी बोली और मेरा आचरण मेल खाएगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, आइए हम हमारे वास्तविक जीवन के साथ जीना सीखें, ना कि दिखावे जीवन के साथ। धन्यवाद। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन। थैंक यू सो मच।